हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप उन पैसे कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हैं, आपके लिए जो अपडेट है काफ़ी ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अभी यहाँ पे दोस्तों बात करें मल्टीपल टीम फाउंडर की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी के अंदर ऐसे भी फाउंडर हैं जिनकी यहाँ पे एक से ज़्यादा आईडी हैं, तो ऐसे फाउंडर को यहाँ पे मल्टीपल टीम फाउंडर बोला जाएगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे ऐसे फाउंडर अपनी आईडी का लॉगिन कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी अपना एप्लीकेशन लेके आने वाली है, हमारा जो ओईस है ओईस का एक एप्लीकेशन आने वाला है यहाँ पे। तो ऐसे फाउंडर को यहाँ पे अपनी आईडी के अंदर लॉगिन कैसे करना है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी आईडी है, हमारी जो मेन आईडी है, हमारी जो फर्स्ट आईडी यहाँ पे, उसके साथ हमारी जो अदर आईडी है यहाँ पे लिंक होने वाली है। मान लो यहाँ पे आपकी ये जो मेन आईडी है, इसके साथ आपकी जो अदर आईडी है, जितनी भी आईडी आपकी 2 आईडी, 5 आईडी, 10 आईडी, सारी आईडी आपकी मेन आईडी के साथ लिंक होने वाली है। जो हमारी मेन आईडी रहेगी इसके साथ यहाँ पे लिंक होने वाली है। अभी यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आएगा यहाँ पे, और वहाँ पे हमारे को वन टाइम लॉगिन करना है, ठीक है। अगर हमारी यहाँ पे 20 आईडी हैं मान लो आप, तो हमारे को यहाँ पे वन टाइम लॉगिन करना है, क्योंकि हमारी जो अदर आईडी हैं वो मेन आईडी के साथ लिंक है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे को जो लॉगिन करना है वन टाइम करना है। अगर हमारे को वन टाइम लॉगिन करना है, उसका बेनिफिट ये है यहाँ पे कि हमारे को यहाँ पे लॉग आउट नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे को दूसरी आईडी चलानी है यहाँ पे, या फिर तीसरी चौथी, जितनी भी आईडी हमारी, हमारे को वन टाइम लॉगिन करना है यहाँ पे, बार बार यहाँ पे लॉग आउट नहीं करना है। इसका बेनिफिट ये मिलने वाला है, क्योंकि हमारी जो मेन आईडी है, हमारी मेन आईडी के साथ यहाँ पे हमारी जो अदर आईडी हैं यहाँ पे लिंक हैं। बट आपको दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान रखना है, यहाँ पे अभी तक हमारी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे लॉन्च नहीं हुई है, जो ओईस की जो एप्लीकेशन है यहाँ पे लॉन्च नहीं हुई है। तो आपको जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से किसी भी टाइप की ओन पैसिव की जो एप्लीकेशन है, या फिर जो ओन पैसिव के जो प्रोडक्ट हैं, वो आपको डाउनलोड नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कंपनी की ओर से, तो आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे। और जो हमारा बैक ऑफिस है, हमारे बैक ऑफिस के ऊपर भी नोटिफिकेशन आएगा, और जो हमारा ओईस है, हमारे ओईस के ऊपर भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।